थैंक यू, और वेलकम करना चाहेंगे आपका। तो शुक्रिया। स्टार्टिंग अप विद द कॉन्सेप्ट और आइडिया के बारे में बताइए थोड़ा, कहाँ से आया और एक्चुअली मैं ये गाना मैंने बना था 2013 में, और ये मैं तब से पढ़ा था, और ये गाना हनी सिंह के पास था, ये गाना मैंने उनको दिया था गाना, तो डिले इतना हो गया। फिर मैंने कहा यह गाना पढ़ा हुआ यार, ये गाना अच्छा साउंड करता है, मैंने कहा मैं कर क्यों नहीं रहा इसे। फिर मैंने हनी भाई से कहा, मैंने कहा भाई मैं ये कर रहा हूँ गाना, तो फिर आपको कुछ और देता हूँ। फिर मैंने उनसे बोला, कहते चलो ठीक है अपन कुछ और करते हैं। फिर मून लाइट जिन्होंने फीचर करा इस गाने में, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं एंड दे आर फ्रॉम US, और बहुत ही अमेजिंग मेलोडीज़ हैं उनकी, और खुद ही लिखते हैं खुद ही गाते हैं, दो भाई हैं ट्विंस, और आज तक पता नहीं चल पाया मुझे कौन कौन है, बट मैं ये है कि मून लाइट दे आर अमेजिंग। सो वो स्टूडियो आया यूनिवर्सल वायरल, हम बैठे थे, पहले एक घंटे में गाना बन गया, पहले एक घंटे में मैंने सुनाया, उन्होंने मेरे को कुछ सुनाया, मैंने कहा वाह अमेजिंग क्या वाइब है यार, मैंने कहा लेट्स डू इट यार। हमने रिकॉर्ड करा, वो इतना अमेजिंग साउंड करा था, सिर्फ डमी, और वहाँ पर कोई म्यूजिक नहीं था, कुछ नहीं था, हमने सिर्फ कोर्ड्स पे वो प्ले करा, और कोर्ड्स इतने खाली होते हैं, अगर आप सुनोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पर इतनी अच्छी वाइब थी उसकी। हमने विनीत भाई को सुनाया, और विनीत भाई कहते हैं कि मेरे को एक दिन दो, वो रात को गए, और मेरे ख्याल से सुबह उनका फोन आया, कहते क्या बना दिया तुमने यार, कहते अटक गया मेरे दिमाग में यार, तू ना बोले, कहते वही चले आ रहा है यार, मैं सो रहा हूँ, कहते कौन सा गाना बज रहा है मेरे दिमाग में, क्या मेलेडी है ये, तो कहते यार अमेजिंग सॉन्ग, इसे करते हैं, फिर ऐसे गाना बना। यस ओके, आल्सो एक नया कॉन्सेप्ट हिप हॉप के साथ में आप आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत। मैं एक्चुअली मैं आई लव हिप हॉप, मैं म्यूजिक मैं बिजनेस में आया ही हिप हॉप करके हूँ। मैं Eminem का पहला गाना सुना था लूज योर सेल्फ, मेरे को समझ कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, और मैं सरकारी स्कूल में अंग्रेजी इतनी अच्छी तो होती नहीं है, तो सब कुछ सर के ऊपर से था, बट जो उसका फ्लो था Eminem का, मैंने कहा वाओ, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा मुझे ये करना लाइफ में, क्योंकि मैं बचपन से ही कॉमिक्स बहुत पढ़ता हूँ, राज कॉमिक्स, सुपर कमांडो ध्रुव नागराज, तो मैं बहुत ही क्रिएटिव, कहीं विजुअल्स, और मैं ड्राइंग वगैरह करता था, मेरे को पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैथ्स में बहुत वीक था, 2+2=5 था मेरे लिए, और मेरे को कभी समझ नहीं आई पढ़ाई, मैं ड्राइंग में या फिर कॉमिक्स में या फिर किसी चीज़ में ऐसे खिलौनों में, GI Joe, आई लव GI Joes, एक्शन फिगर्स, ही मैन, दिस दैट, सो ये बहुत था। तो फिर वहाँ से कर करके ऐसे कर करके म्यूज़िक में बड़ा हुआ, फिर उसके बाद हिप हॉप से घर नहीं चलता था हमारा, हमने स्टार्टिंग में हिप हॉप बहुत करा, 2010 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हमने बहुत रिलीज़ करे ट्रैक, उस वक्त यूट्यूब वगैरह इतना मतलब था नहीं, मतलब सीन में, और ना ऐसा कोई स्ट्रीमिंग चैनल्स थे, JioSaavn एंड गाना, अब तो बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स हमारे पास उस वक्त थे नहीं, तो मेरे को लगा हिप हॉप से हम कुछ कर नहीं सकते, तो मैं हनी भाई के साथ बहुत काम करा, मैंने हनी सिंह के साथ, उनके लिए मैंने काफ़ी गाने लिखे हैं उनके, और बिहाइंड द सीन हमने बहुत काम करा, वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला। फिर मैं दिलजीत दोसांझ से मिला, उनके लिए काफ़ी मैंने लिखा, उनके काफ़ी मूवीज़ के गाने लिखे मैंने, और ऐसे सीखता चला गया मैं। फिर मेरे को कमर्शियल सेंस आई कि कमर्शियल मेलोडीज़ कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि रैप हिप हॉप वो सिर्फ बातें हैं, पर मैं जहाँ तक मानता हूँ एक मेलेडी की उम्र बहुत लंबी होती है, वो मरती नहीं है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो फिर मेरे को मेलेडीज़ की समझ आई, मैंने कहा यार गाना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को ना एक्सप्लोर करना, इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, आप अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक सर्कल के बाहर कितना, दायरे के बाहर अपने आप को कितना ले जा सकते हैं, वो मैंने अपने आप को देखा कि यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ रैप नहीं, मैं आई कैन डू एनीथिंग, अगर उसने करा तो मैं भी कर सकता हूँ यार, मैं इंसान हूँ, मेरे पास दिमाग है, और हर वो चीज़ है जो सामने वाले के पास थी जिसने अचीव करा, तो बस आई एम अ गुड लर्नर, मैं देखता हूँ और मैं सीखता हूँ, मैं चुप रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये नहीं लेनी, हाँ ये लेनी, तो बस ऐसे ही मेरे को फिर कमर्शियल सेंस आई, फिर वहाँ से मैंने अपना हिप हॉप और कमर्शियल सेंस को फ्यूज करा, ऐसे हिप हॉप बन गया। यस, व्हाई गेटिंग इनटू रैपिंग एंड यू नो हाउ? आई डोंट नो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मैं सिचुएशंस देखी अपने घर में, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं कहीं रैप से बहुत इन्फ्लुएंस था, जो Eminem के वीडियोस थे, और मेरे को बहुत लगता था कि मेरी स्टोरी है अपनी, और मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, मैं जीने वैसे लग गया था, मैं कपड़े वैसे पहनता था, और मैं पता नहीं क्या क्या करने लग गया था जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा ऑन कैमरा, सिर्फ रैपर बनने के लिए, मैं इतना वॉना भी बन गया था, इतना वॉना भी बन गया था उसको देख, उस कल्चर के अंदर इतना इंडल्ज हो गया था, मैं घुस गया था, मतलब प्रॉपर तरीके से मैंने जिया हिप हॉप को, पर हिप हॉप से मेरा घर नहीं चल रहा था, और मेरे लिए मेरा मोटिव है कि मैं अपनी फैमिली को खुश रखूं, मेरा पहला मकसद वही है, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मैं वो कमर्शियल करना पड़े, चाहे हिप हॉप, बट आई लव म्यूजिक, आई लव हिप हॉप, हिप हॉप मेरे दिल में बसता है, और ये सब करेंगे। ओके, जैसे कि आपने बोला कि मेरी स्टोरी मतलब रैपिंग से पता चली थी, तो वैसे ही आपकी एक और इंटरव्यू करी जी, यस, तो उसके बारे में वो भी गाना, मैंने जब मेरे को पहला अवार्ड मिला था, मेरे को कभी स्कूल में कोई अवार्ड नहीं मिला आज तक किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ एक ड्राइंग के लिए मिला था, मेरे को आज भी याद है, पूरी दिल्ली में मैं थर्ड आया था, उसमें भी थर्ड आया था, मैं फर्स्ट नहीं आया था उसमें भी, तो मैं बड़ा खुश हुआ था उस दिन। तो जब मेरे को पहला अवार्ड मिला, जिस दिन मेरे को म्यूज़िक से
और बहुत बड़ा स्टेज था PTC, तो वहाँ मेरे को अवार्ड मिला। मैंने उसी दिन रात को आके अपने घर पे वो गाना लिखा था, क्योंकि मेरे को फील हुआ वैसे, मेरे को सब कुछ मतलब मेरे को दिखा, मैंने सब देखा कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करा और कहाँ से कहाँ आया, मतलब मैंने कुछ अच्छा ही अचीव करा, मेरे को कुछ मिला ही है इस चीज़ से, मैंने कुछ गवाया नहीं और मैं कहीं ऊपर जा रहा हूँ, मैं नीचे नहीं आया। तो उस दिन मैं लिखा था इंटरव्यू और मैंने हर चीज़ उसमें अपनी पर्सनल भी शेयर करी हैं और ऐसी चीज़ें शेयर करी हैं जो एक आर्टिस्ट हिचकिचाता है करने से, वो डरता है अपने आप को। पर मैं सोचता हूँ एक आर्टिस्ट को अपनी बातें बतानी चाहिए, एक आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं फैंस, दुनिया जानना चाहती है, स्टोरीज कहानियाँ आज भी सुनी जाती हैं, चाहे वो मिर्ज़ा साहिबा की हो, हीर रांझा, फिर किसी की भी हो। तो मैंने अपनी स्टोरी बताई, लोगों को अच्छा लगा ये। ओके, अपनी इस जर्नी को बिहाइंड द सीन्स हनी सिंह के साथ में काम करना और अभी ये सॉन्ग, अपनी इस जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करना? बहुत ही अमेजिंग और बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छे लोग मिले इस जर्नी में और सबने सपोर्ट करा, कुछ बुरे भी मिले उनसे भी सीखने को ही मिला एक्सपीरियंस, पर अमेजिंग थी जर्नी अभी तक की और अभी सीख ही रहा हूँ मैं। और अभी दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो मेरे को लगता है कि मैंने प्रॉपर तरीके से लिया है और मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा यूनिवर्सल म्यूज़िक का, वायरल म्यूज़िक का, विनीत भाई का, साजिद भाई एंड देवराज सर, मोहित सूरी कि जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, मेरे विजन को बिलीव करा और उन्होंने कहा कि हाँ ये इसके पास कुछ है, ये कुछ कर सकता है। तो बस यस अच्छा है सर। अगर हम रैपिंग की बात करें तो पार्टी सॉन्ग्स वगैरह अभी फिलहाल बहुत ट्रेंड में है, यूथ्स को बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखो हर चीज़ है, पार्टी भी लोग करते हैं और ये एक रापर ना शीशा होता है, उसमें आप अपने आप को ही देखोगे, आप पार्टी भी करते हो, आप सैड भी होते हो, आप हैप्पी भी होते हो। तो हर अब ये नहीं है कि एक रापर का मतलब यही है कि वो मतलब सोशल मतलब उस पर ही गाने गाता रहे, नहीं यार मैं नहीं सोचता ऐसे। मैंने बड़े बड़े रापर्स को देखा है जो हर तरीके के गाने गाते हैं, पार्टी सॉन्ग्स भी, सैड भी, लव भी, एवरीथिंग, मतलब म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर आप कहें कि यार ये करने से आप हिप हॉपर हैं या फिर यही करने से आप रापर हैं, तो मैं नहीं मानता। और हम जहाँ तक मैं सुनता हूँ, मैं पिछले 10 साल से 2006 से बोहेमिया पाजी जिनको मैंने पहली बार सुना था, देसी हिप हॉप जो लेके आए इंडिया में, मैं तब से रैप सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं और बस बढ़िया है। ओके, हर किसी की एक इंस्पिरेशन होता है, एक तो आपका कौन? मेरे बहुत सारे इंस्पिरेशन है, मेरे एमिनम सबसे बड़ा मेरी इंस्पिरेशन है, फिर जी शॉन, जगी डी, ऋषि रेज, ये मेरी मैंने मेरे पास आज तक कैसेट्स हैं इनकी, मैंने संभाल के रखे हैं, लोगों के पास सीडीज नहीं है आज तक, मेरे पास कैसेट्स हैं। मतलब मेरा क्या होता था, मैं एवरीडे मैं सेल खरीदता था, मेरे को 5 रुपए मिलते थे दिन में और मैं उसका एक ही सेल ले पाता था, पेंसिल सेल। तो उसका भी मैं क्या करता था, जो पुराना सेल हो गया उसको चबा के मैं फेंक देता था, मतलब चबा के उसको डालता था, फिर एक नया डालता था और एक पुराने वाला। मैंने अपना बेड खिसकाया, उसके अंदर से इतने सारे सेल निकले, इतने सारे। मैं एवरीडे एक नई एल्बम सुनता था हेडफोन्स में लगा के, वॉकमैन में लगा के, मेरे बैग में वॉकमैन होता था, 7 कैसेट्स होती थी, मैं बस में घूमता था, मेट्रो में घूमता था, वो लगे हुए हेडफोन्स। मैं अपनी छत पे रात को मतलब 9 बजे कंघी लेके परफॉर्म कर रहा था, दीवार को देख के अकेला ही लगा पड़ा हूँ, एमिनम समझ कुछ नहीं आ रहा, अपने आप बड़बड़ाए जा रहा हूँ कि हाँ दिस दैट दिस दैट दिस दैट, हाँ ये वो। पर मेरे को जुनून था, मेरे अंदर पैशन था, मैंने कहा मैं करूँगा तो यही करूँगा यार, मैं कुछ बनूंगा यार। तो आपकी ना मेहनत कभी ना खाली नहीं जाती, अगर आप सच्चे दिल से करो, ऊपर वाला भी देखता है, वो वाइब्रेशंस आपको मिलती हैं, वो कनेक्टिविटी मिलती है। तो मैंने अपनी अपनी पावर को, अपनी विल पावर को, अपने आप को ऐसा रखा, मैंने म्यूजिक के सराउंड अराउंड रखा, उन्हीं लोगों से मेरी दोस्ती जो म्यूजिक में थे। मेरा कोई दोस्ती नहीं है ऐसा कि जिसको जो जो रापर नहीं है, जो सिंगर नहीं है, मेरे दोस्ती ऐसे हैं। तो सारी बातें मेरी जिंदगी है म्यूजिक ही, मेरी कब हॉबी से कब मेरी जॉब बन गई मेरे को पता भी नहीं चला। पता नहीं, तो मैं साइबर कैफे चला रहा था, मैं वीडियो गेम खिलाता बच्चों को, खुद भी खेलता, मेरा तो यही था, पढ़ाई लिखाई तो मेरे से होती नहीं, सॉरी टू से। तो उस वक्त जब मैं छोटा था तो साइबर कैफे बड़े फेमस थे और हम जाते थे, हम वीडियो गेम्स खेलते थे, सैन एंड्रिया, GTA ये चलती थी। मैंने कहा क्या कूल प्रोफेशन है यार, बैठ जाओ खुद भी गेम खेलो, बच्चों को खिलाओ, पैसा कमाओ, रैपर नहीं होता तो मैं वो होता। यस, बहुत सारे मतलब अभी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि वो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, पर मैं बहुत सारे अपने हिप हॉप भी हैं, कमर्शियल भी है, क्योंकि मैं बैलेंस करके चीजें चलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिप हॉप फैंस भी हैं जो बहुत हार्ड कोर हैं, वो सिर्फ हिप हॉप मांगते हैं, वो ये नहीं कहते कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया गा भाई, पर वो भी गाना पड़ता है भाई, 500 मिलियन आए थोड़ा ना आते हैं। अब मैं इतने अच्छे से गाना निकालता हूँ, 10 मिलियन नहीं होते यार, मैंने बद्रीनाथ की गाया तो 500 मिलियन चला गया, मैंने वो भी करना जरूरी है यार, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, यू नो। मैं ये कहूँगा कि जो नए फैंस हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, उनको सबसे पहले नमस्ते, और मेरा नया गाना है बॉडी लैंग्वेज फीचरिंग मूनलाइट एंड प्रोफेसी, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, जिसने नहीं सुना जाके सुने और शेयर करे और सपोर्ट करे, आपका प्यार चाहिए जैसे आप हर गाने को प्यार करते हैं, इस गाने को भी कीजिए, नया गाना आया है इक्का का, बॉडी लैंग्वेज, डू चेक इट आउट।